नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल टेस्ट का पिटारा में। आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा डो। तो चलिए देखते हैं हमें पिज्ज़ा डो कैसे बनाना है। हम बेसिक पिज्ज़ा डो बनाएंगे ईस्ट के साथ। पिज्ज़ा डो बनाना बहुत ही इजी है, चलिए देख लेते हैं हमें पिज्ज़ा डो कैसे बनाना है। जिसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी में थोड़ा सा गुनगुना पानी, पानी ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना ठंडा। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच चीनी। चीनी को घोलेंगे, चीनी हमारी लगभग घुल चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, नमक एक चौथाई डालेंगे हम और इसे भी मिलाएंगे। चीनी और पानी अच्छे से घुल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई एक्टिव ईस्ट एक चम्मच। इसे अच्छे से पानी में मिलाएंगे और इसे 7-8 मिनट के लिए छोड़ देंगे घुलने के लिए। 7-8 मिनट हो चुके हैं, हमारा ईस्ट घुल चुका है। अब हम डो लगाएंगे। पिज्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मैदे का इस्तेमाल किया है। इसके बाद जो मैंने ईस्ट का घोल बनाया था उसे इसमें डालकर इससे डो बना लेंगे। घोल डालने के बाद अगर आपको लगे कि आपको और पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी या फिर रूम टेम्परेचर पानी से इसे गूंथ लें, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम सॉफ्ट डो हम बनाकर तैयार कर लेंगे। डो को हमें ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मुलायम रखना है, मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए। डो हमारा लगभग बन चुका है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसे चिकना कर लेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल डालने के बाद इसे 5 मिनट तक गूंथें जिससे कि डो हमारा चिकना हो जाए। मैंने मीडियम सॉफ्ट और चिकना डो बनाकर तैयार कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना डो हमारा बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही गीला है। हमारा चिकना हो चुका है। अब हम इसे ढक कर कम से कम 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अगर मौसम ठंडी का हो तो आप 4-5 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। 4-5 घंटे में ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, हमारा डो फुल कर डबल हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे डो में जाली पड़ गई है। जाली पड़ने का मतलब है कि डो हमारा फर्मेंट हो चुका है। अब इसे हम फिर से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। डो को चिकना करने के बाद हमारा डो रेडी हो जाएगा पिज्ज़ा बनाने के लिए। आपको मेरी पिज्ज़ा डो की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।